हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी, ब्रिटिश एम्पायर की वो पॉलिसी जिससे उन्होंने एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन शिकार किए। पहला तो ये कि सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी की हेल्प से ब्रिटिशर्स ने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को बिना किसी लड़ाई या कोई खर्चा किए बिना अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी को कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट कर लिया जैसे वो अपने मोबाइल पर पेटीएम की ऐप डाउनलोड कर रहे हों। इसके अलावा सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी की हेल्प से ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को पूरे देश में फैला दिया, और वो भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के खर्चे पर। मतलब रिक्रूटमेंट चल रहा है ब्रिटिश आर्मी का, और उनकी सैलरी देने की जिम्मेदारी है बेचारे हमारे इंडियन राजाओं की। और तीसरा शिकार बना दूसरे यूरोपियन ईस्ट इंडियन कंपनीज जो इंडिया में रहकर ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ कम्पीट कर रहे थे ब्रिटिशर्स से। उनकी पावर ना सिर्फ ख़त्म कर दी बल्कि उनके ग्रो करने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, जो आपको ये समझाने के लिए था कि ये कितनी पावरफुल पॉलिसी थी, जिसमें ये कहावत बिल्कुल फिट होती है कि इसमें ब्रिटिशर्स का ना हींग लगा ना फिट करी और रंग भी चौखा आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के बैकग्राउंड से। सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी एक रफ फॉर्म में हिस्ट्री में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स के द्वारा। वो अपनी आर्मी समय समय पर इंडियन राजाओं को देता था और उसके बदले में उनसे किराया वसूलता रहता था। और अगर आज के ज़माने में ये ड्यूप्लेक्स होता तो हो सकता है कि आप भी इस सेवा का लाभ उठा पाते bookmyarmy.com पर लॉगिन बनाकर। तो ड्यूप्लेक्स की इसी पॉलिसी को कॉपी किया ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन करी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। इस ट्रीटी के एक क्लॉज के हिसाब से अवध के नवाब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, जिसके लिए अवध का नवाब ब्रिटिशर्स को रेगुलरली पे करता रहेगा। कहने का मतलब ब्रिटिशर्स की फौज अवध में रहकर अवध को सेफगार्ड करेगी, और उसके बदले अवध का नवाब सूजा ब्रिटिशर्स को पैसा देता रहेगा। इसके बाद सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी का जो नया फॉर्म था, या हम लोग बोलें कि उसका जो एक्चुअल स्वरूप था, उसको इम्प्लीमेंट किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। यानी सब्सिडियरी अलायंस का जो विस्तार हुआ वो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल रहे 1798 से 1805 तक। लॉर्ड वेलेस्ली ने देखा कि इंडिया में बहुत सारे किंगडम्स हैं और सब आपस में लड़ते मरते रहते हैं। कुछ किंगडम्स ऐसे भी हैं जिनके पास तो पैसे तो बहुत हैं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने की शक्ति उनमें नहीं है। मतलब आसपास के राजा उन पर अटैक करते रहते हैं, माल लूट के ले जाते रहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने ये सब देखते हुए अपना सर खुजाया और उसको एक आइडिया आया। ये आइडिया था कि इन आपस में लड़ते मरते हुए राजाओं को सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी भेज देता हूँ, और इसके द्वारा उन सारे राजाओं को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेता हूँ। तो इस बेहतरीन आइडिया के साथ लॉर्ड वेलेस्ली आसपास के राजाओं से मिलने के लिए गया। उसने उन राज्यों पर मंडराते हुए खतरे को दिखाकर राजा को डरा दिया। उसने बताया कि भाई, अभी आपके पड़ोसी राज्य से होके आ रहा हूँ, वो तो आपके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठे हैं, बताओ आप कैसे मुकाबला करोगे उसका। तो ये सुनते ही राजा तुरंत अपनी सेफ्टी के लिए हेल्प मांगने लग गए, और यही तो लॉर्ड वेलेस्ली को चाहिए था। तो फिर क्या था, डर के आगे जीत है। सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के लिए इंडियन राजा तुरंत राजी हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी में ब्रिटिशर्स और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच कौन कौन से एग्रीमेंट होते थे। तो पहला एग्रीमेंट ये है कि इंडियन रूलर देता था पैसा, और उसके बदले ब्रिटिश आर्मी का एक पार्ट उस प्रिंसली स्टेट में रहकर उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश आर्मी के रहने का खर्चा और खाने पीने का खर्चा भी उठाना पड़ता था। मतलब सारी जो मेंटेनेंस है आर्मी की वो प्रिंसली स्टेट उठाएगा। इसके बदले राजा साहब जो हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाती थी आसपास के स्टेट से। अब देखते हैं दूसरा एग्रीमेंट। तो दूसरा एग्रीमेंट ये है कि अब से इंडियन रूलर बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की परमिशन के किसी दूसरे राज्य के साथ
ना तो कोई अलायंस या संधि कर सकता है और ना ही उस पर अटैक कर सकता है। तीसरा एग्रीमेंट ये है कि इंडियन रूलर अब से ब्रिटिशर्स के अलावा किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री के एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रख सकता। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इंडिया में रहने वाली दूसरी यूरोपियन ईस्ट इंडियन कंपनीज़ को, जैसे कि फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी, डच ईस्ट इंडियन कंपनी और पोर्टुगीज ईस्ट इंडियन कंपनी। तो चौथा एग्रीमेंट ये था कि अब से इंडियन किंग के दरबार में जहाँ राजा अपनी सारी मीटिंग्स करता था अपने मंत्रियों के साथ, वहाँ उसके मंत्रियों के बीच में एक ब्रिटिश ऑफिशियल हमेशा मौजूद रहेगा। इस ऑफिशियल को ब्रिटिश रेजिडेंट कहा जाएगा। और बात ये थी कि ये ब्रिटिश रेजिडेंट किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये बेसिकली एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी का पार्ट है। लेकिन आप सोच सकते हो कि जब ये ब्रिटिश ऑफिशियल वहाँ पर रहता था तो ऐसा तो है नहीं कि ये मूक दर्शक बना रहेगा, कुछ ना कुछ तो ये भी बोलता होगा और नहीं भी बोलता होगा। तो उन पॉलिसी के बेसिस पे ये अपनी ब्रिटिश पॉलिसीज तो बनाने में हेल्प कर ही रहा होगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने एक के बाद एक कई सारे स्टेट्स से ये पॉलिसी साइन करवा दी। लेकिन कुछ इंडियन राजा या कुछ इंडियन राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने वेलेस्ली की इस पॉलिसी पर साइन करने से मना कर दिया। तो भाई जहाँ बातों से काम नहीं बना वहाँ वेलेस्ली ने लात चला दी। कहने का मतलब, अगर कोई इंडियन स्टेट सीधे सीधे सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी साइन करने के लिए रेडी नहीं है तो वो इसे फोर्सफुली साइन करा दी। फॉर एग्जांपल, टीपू सुल्तान सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी साइन करने से मना कर रहा था, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाकर ब्रिटिशर्स ने वुदियार को मैसूर का राजा बना दिया और वुदियार के साथ पॉलिसी साइन कर दी। सो अल्टीमेटली पॉलिसी तो साइन करनी ही पड़ी, चाहे हंस के करो या रो कर। लेकिन सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के कारण बेचारे राजाओं के पास से सेल्फ डिफेंस के अधिकार भी ख़त्म हो गए, दूसरे राजाओं के साथ रिलेशंस भी नहीं रख सकते थे और हर काम में ब्रिटिशर्स से पूछ पूछ के करना पड़ता था। और नौकरी पर किसे रखे हैं किसे नहीं, अगर ये भी उन्हें ब्रिटिशर्स को पूछना पड़े तो भाई काहे का राजा, ये तो धोबी का कुत्ता बन गया। बट जो भी है, ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिसी की हेल्प से अपनी आर्मी 1798 में हैदराबाद में घुसा दी, 1799 में तंजौर में और मैसूर में भी घुसा दी, 1801 में अवध में ब्रिटिशर्स की आर्मी पहुंच गई, फिर मराठा कॉन्फेडरेसी भी काम से गई। पहले तो पेशवा बाजीराव सेकंड से 1802 में सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी साइन करवाई, उसके बाद 1803 में मराठा भोंसले अपने नागपुर वाले, और फिर 1804 में सिंधिया अपने ग्वालियर वाले, और आखिर में 1805 में होलकर इंदौर वाले भी अपने सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के लपेटे में आ गए। तो इससे क्या समझ में आता है, यही ना कि इंडिया में नॉर्थ टू साउथ ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी फैला दी। ब्रिटिशर्स की पावर इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। सब्सिडियरी अलायंस ने ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल पावर को बहुत बढ़ा दिया था, साथ ही अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बुक्स द वा।